गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना वायुमंडल से संबंधित टॉपिक चल रहा था, उसमें अपन ने वायुमंडल के संगठन की बात अपन ने कर ली थी कि वायुमंडल का संगठन है वो किन से मिलकर बना हुआ है। तो वायुमंडल की संगठन के लिए तीन तत्व हैं वो प्रभावी हैं। सबसे पहले वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार की गैसें हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन है, नियोन है, क्रिप्टोन है, ये सारी गैसें हैं, ओजोन है, ये सारी गैसें क्या हैं, वायुमंडल के अंदर पाई जाती हैं। और वायुमंडल का जो संगठन है वो किन से मिलकर बना है, अनेक प्रकार की गैसों से मिलकर बना हुआ है। दूसरा क्या है, वायुमंडल के अंदर कौन सा दूसरा तत्व होता है, इसके अंदर नमक के कण हैं, धूल के कण हैं, आपके जो लालिमा जो दिखाई देती है छाए के समय या सुबह के समय या आकाश का नीला दिखाई देना है, तो ये सारे किसकी वजह से, धूल के कणों की वजह से क्या है, आसमान का नीला दिखाई देना और शाम के और सुबह के समय जो लालिमा दिखाई देती है वो धूल के कणों की वजह से दिखाई देती है। तीसरा है वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की मात्रा, औसतन जलवाष्प है लगभग आपका 2% है वो देखने को मिलता है, लेकिन हर क्षेत्र के अंदर आपके जो भी जो अक्षांशों की, जैसे ही भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, क्योंकि वायु है वो अपनी सामर्थ्यता धीरे धीरे होने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की मात्रा है वो धीरे धीरे उच्च अक्षांशों की ओर क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो उच्च अक्षांशों में क्या होती है, जलवाष्प की मात्रा है कम पाई जाती है, और भूमध्य रेखा के आसपास में क्या है, जलवाष्प की मात्रा है अधिक पाई जाती है। तो इस तरीके से क्या है, वायुमंडल का संगठन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं वायुमंडल की संरचना की। वायुमंडल की संरचना है तापमान के आधार पे कितने मंडलों के अंदर विभाजित की गई, आपकी 5 मंडल यानी 5 परतें हैं वायुमंडल के अंदर, तापमान के आधार पे कितनी 5 परतें हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, ठीक है, उसके बाद में समताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आता है आपका आयन मंडल, आयन मंडल, और लास्ट आता है आपका बहिर मंडल, ठीक है। इस तरीके से क्या है, आपकी तापमान के आधार पे वायुमंडल की संरचना है वो पाई जाती है। जैसे मान लो यहां से आपका क्या है, पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर क्या है, आपके अलग अलग तापमान के आधार पे क्या बनाई गई है, लेयर बनाई गई है, परत बनाई गई है, जिससे क्या है आपके, और ऊपर की ओर आ जाते हैं तो अंतरिक्ष से इनका मिलान हो जाता है। तो इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर आपके तापमान के आधार पे कितनी परतें बनाई गई, 5 परतें बनाई गई, उनमें से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस तरीके से क्या है, आपके वायुमंडल की संरचना का विकास है वो किया गया। अब सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आता है। क्षोभ मंडल में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के जस्ट पास वाली जो परत पाई जाती, जो लेयर पाई जाती है, जो मंडल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है, या इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, संवहन मंडल भी कहा जाता है। देखो, परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस परत के अंदर ही मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम है वो परिवर्तित होता रहता है। इसी क्षेत्र के अंदर आपकी संवहन धाराएं हैं वो चलती हैं, और इसलिए इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल, इसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं इसलिए इसको परिवर्तन मंडल कहा जाता है। और इस लेयर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे सामान्य ताप पतन दर के
आधार पे यहाँ पे इस लेयर के अंदर क्या होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान क्या होता है आपका गिरता चला जाता है। वैसे ही आपका 1000 मीटर की ऊंचाई पे तापमान कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है, इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। अगर इसी के साथ क्या होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसके कारण क्या हो जाता है, तापमान घटने की वजह क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, तो उस समय वो क्या हो जाती है, ताप व्युत्क्रमण दर कहलाती है। तापमान का बढ़ना घटना क्या कहलाता है, ताप व्युत्क्रमण दर कहलाती है। ये अलग परिस्थितियों के अंदर देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है आपका क्षोभ मंडल में, इसी क्षेत्र के अंदर आपकी क्या होती है, संवहन धाराएं चलती हैं जिसके कारण आपका मौसम है वो परिवर्तित होता रहता है। इसी क्षेत्र के अंदर बादलों का गरजना है, आपका आंधी तूफान का आना है, आपकी बरसात का होना है, ओला है, ओलावृष्टि है, आपकी ओस की बूंदे हैं, कोहरा है, धुंध है, ये सारी घटनाएं किसके अंदर होती हैं, पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाली लेयर के अंदर। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी पाई जाती है, आपकी 13 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है, 13 से 18 तक भी इसको देखने को मिलता है। और इसी के जस्ट ऊपर क्षोभ सीमा है वो देखने को मिलती है, क्षोभ सीमा है वो पाई जाती है। और उसी की वजह से क्या है, आपका जो तापमान है, जो मौसम के अंदर जो परिवर्तन है, जैसे वर्षा का आना है, वो इसी लेयर की वजह से आपके इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। दूसरा आपका आता है समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर क्या होता है, देखो इस क्षेत्र के अंदर ये जैसे ही आपकी क्या होती है 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या, कौन सा मंडल पाया जाता है, आपका समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें तापमान क्या होता है, समान पाया जाता है, कहां से लेकर आपकी 10 किलोमीटर तक। ठीक है, और इस 10 किलोमीटर की ऊंचाई में ही क्या होता है, आपके वायुयान जो है, वायुयान वो क्या है, उड़ते हैं, जैसे हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, ये सारे वायुयान यानी कि समताप मंडल के अंदर जितने भी आपके वायुयान हैं वो उड़ाए जाते हैं। और कितने किलोमीटर की, 10 या 15 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर, जहां से आपका 18 किलोमीटर से 10 किलोमीटर और यानी कि आपका लगभग 30-32 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर क्या है, तापमान समान है वो पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं 15 से 35 किलोमीटर, यानी कि ये जो लेयर है जस्ट ऊपर वाली, ये आपकी कौन सी है, ओजोन मंडल। इसी समताप मंडल के अंदर आपकी एक लेयर पाई जाती है जिसे क्या समताप मंडल या जिसे क्या कहा जाता है, ओजोन मंडल, या कह सकते हैं कि ओजोन परत है वो इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, ओजोन गैस इसमें पाई जाती है, जो समताप मंडल के क्या है, चारों तरफ पाई, इसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर पाई जाती है। इसकी मोटाई अगर देखी जाए तो 15 से 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है, वो मोटाई है वो देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र के अंदर ये क्या कार्य करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से मनुष्य की रक्षा करती है, जो क्या है, कैंसर की बीमारी लगभग लोगों के अंदर, इसकी जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या है, लोगों के अंदर चरम रोग है, कैंसर का रोग है, ये सारी बीमारियां हैं वो पैदा करती है। किससे होती है, पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, ओजोन परत है वो रोक लेती है, और रोकने के कारण क्या है, मनुष्य तक नहीं पहुंचने देती। और ये क्या करती है, यहाँ पे जब रोक लेती है तो रोकने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे जो तापमान है वो क्या
क्या है, अचानक से बढ़ने लग जाता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी इसी के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि वायु का जो मंडल है वो क्या है, अनेक प्रकार की गैसों से मिलकर बना होता है और गैसों से मिलकर बना होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, आपकी सूर्य से आने वाली किरणें तो क्या हो जाती है, वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर जाती है लेकिन वापस लौट नहीं पाती है, जिसके कारण ये क्या है आपकी जो तापमान को क्या है बढ़ा देती है और यही क्या है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, जिससे क्या हो जाता है आपका तापमान है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ओजोन परत है वो क्या होती है, पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है, इसलिए इसे सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपके न्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इस क्षेत्र में अब लगभग ये पूछा जाता है कि ओजोन मंडल, ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल के अंदर ओजोन परत है वो पाई जाती है। दूसरी अगर इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं तो ये क्या है, 10 किलोमीटर तो यहाँ पे तापमान क्या होता है समान होता है जहाँ पे वायुयान उड़ते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होने लग जाता है, तापमान है वो बढ़ने लग जाता है और 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे तापमान है वो बढ़ता रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके ओजोन मंडल है, ओजोन लेयर पाए जाने की वजह से आपके सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनसे क्या है ये सुरक्षा प्रदान करती है या आपको बचाती है। उसके बाद आपका आता है तीसरा सम मेसोस्फेयर या मध्य मंडल। अब इसकी बात कर लेते हैं मेसोस्फेयर और इससे लेयर को जो नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो आपके रेफ्रिजरेटर या इसी के साथ साथ आपका जो एयर कंडीशन, जो एसी से निकलने वाली जो गैस है ये क्या है इसको नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कार्बन जो गैस है वो क्या है किसको नुकसान पहुंचाती है, ओजोन मंडल या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और इसी के अंदर क्या है अब एक छिद्र देखा गया है जो अंटार्कटिका के अंदर देखा गया है और इस छिद्र की वजह से क्या होने लग गया है, ओजोन परत के अंदर क्या हो गया छिद्र हो गया है और इस छिद्र की वजह से क्या होने लग गया है पराबैंगनी किरण है वो क्या है पृथ्वी तक पहुंचने लग गई है, जिससे क्या है मनुष्य को क्या है चरम रोग है, कैंसर की बीमारी है, आंखों पे इफेक्ट है, ये सारी बीमारियां हैं वो देखने को मिलने लग गई हैं। तो इसके बाद आपका आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई अगर देखते हैं तो 50 से क्या है आपकी 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है तापमान क्या होता है ऊंचाई के साथ साथ क्या होने लग जाता है तापमान पुनः घटने लग जाता है। घटते हुए मध्य मंडल की ऊपरी सीमा का तापमान कितना हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि इस मंडल के अंदर जैसे ही समताप मंडल के अंदर क्या होता है तापमान बढ़ता है लेकिन मध्य मंडल में क्या होता है ऊंचाई के साथ साथ फिर से क्या होने लग जाता है तापमान घटने लग जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर जो उल्का पिंड जो अंतरिक्ष से आती है वो क्या है मध्य मंडल रोक लेता है, मेसोस्फीयर रोक लेता है, उसको खत्म कर देता है, पृथ्वी तक उनको लगभग नहीं आने देता है, मध्य मंडल का ये कार्य होता है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए मध्य मंडल के लिए तो मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी बताई मैंने मध्य मंडल के लिए कि 50 से 80 किलोमीटर के मध्य आपका मध्य मंडल है वो पाया जाता है। और उसके साथ साथ मध्य मंडल के अंदर क्या होता है आपकी जिसमें क्या है ऊंचा तापमान क्या होता है ऊंचाई के साथ साथ क्या हो जाता है कम होता चला जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी तापमान है वो कितना पहुंच जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपोस कहा जाता है जिसके ऊपर जाने पर तापमान पुनः वृद्धि करने
लग जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मेसोपॉज। मेसोपॉज इसे कहा जाता है, मेसोपॉज इसे कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये जो लेयर पाए जाने की वजह से वापस क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे वापस से क्या है, तापमान बढ़ने लग जाता है। और जस्ट इसके ऊपर आने वाला मंडल कौन सा है? आपका आयन मंडल। इस आयन मंडल के अंदर आपकी रेडियो एक्टिव तरंगे हैं वो पाई जाती हैं, और ये क्या है, पृथ्वी तक पहुंचाती है। और आयन मंडल में रेडियो एक्टिव तरंगे पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव तरंग है वो पृथ्वी तक पहुंचाती है, और पृथ्वी तक आपके संचार माध्यम का कार्य भी रेडियो तरंगों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका बहिर्मंडल। 80 से आपकी इसकी ऊंचाई होती है, 80 से 640 और लगभग आपका इसमें 400 किलोमीटर भी कभी कभी बताया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, तापमान बढ़ता है। और लास्ट आपका आता है बहिर्मंडल या थर्मोस्फेयर, यानी कि इसको ताप मंडल भी कहा जाता है। इसके अंदर आपका जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं, तापमान इसके अंदर बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से क्या है, वायुमंडल के अंदर तापमान के आधार पे कितनी परतें पाई जाती हैं? 5 परतें पाई जाती हैं। अब चर्चा कर लेते हैं मध्य मंडल की। तीसरा है, दो मैंने कल करवा दिए थे, तीसरा है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर, इंग्लिश में कहा जाता है मेसोस्फीयर। औसत ऊंचाई किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान पुनः घटने लगता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान पुनः घटने लगता है। और इसकी आगे विशेषता अगर देखते हैं तो घटते हुए मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर घटते हुए मध्यमंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, इसकी विशेषता के रूप में देखा जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को इस सीमा को मेसोपॉज कहते हैं, जिसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होती है, जिसके ऊपर
जाने पर पुनः जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होती है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद आता है आपका आयन मंडल। देखो, आयन मंडल की विशेषता मैंने क्या बताई, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है आपकी, 80 से 640 या लगभग 400 किलोमीटर तक भी देखने को मिलती है, या तो 640 होता है या आपका 400 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। इस मंडल में क्या है, आपकी विद्युत चुंबकीय आयनों के प्रभाव है देखने को मिलते हैं, जिससे क्या है आपके रंग बिरंगे प्रकाश की घटनाएं घटित होती हैं, और जिससे क्या है उत्तरी गोलार्ध के अंदर अरोरा बोरियल या उत्तरी ध्रुव प्रकाश या उत्तरी ध्रुव ज्योति सुमेर ज्योति कहा जाता है, और इसी के साथ साथ दक्षिणी ध्रुव के अंदर अरोरा ऑस्ट्रियस या दक्षिणी ध्रुव प्रकाश ज्योति कुमेर ज्योति इस क्षेत्र के अंदर कहा जाता है। आयन मंडल में रेडियो तरंग धरातल तक पहुंचती है, दूर संचार के अंदर इसके अंदर काम में ली जाती है, दूर संचार के अंदर इसके अंदर देखने को मिलती है, और इसके अंदर चार लेयर देखने को मिलती है, ई डी ई एफ और जी, और ये क्या होती है आपकी अलग अलग रूपों के अंदर देखने को मिलती है। जैसे डी परत को लंबी तरंगे कहा जाता है, ई परत को मध्यम तरंग कहा जाता है, एफ परत को क्या कहा जाता है, लघु वेव या लघु तरंग के नाम से जाना जाता है, और इनकी जो ऊंचाई होती है वो भी क्या होती है अलग अलग देखने को मिलती है, और जैसे जैसे ऊंचाई के साथ आपके तापमान में भी क्या है वृद्धि होती चली जाती है। तो इस तरीके से क्या है आपका अगला आता है आयन मंडल। आयन मंडल, देखो आयन मंडल की अगर विशेषता देखते हैं तो आयन मंडल के अंदर क्या है आपकी ऊंचाई है, सबसे पहले ऊंचाई, और इसी क्षेत्र के कारण आपके ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। औसत ऊंचाई कितनी होती है आपकी, 80 से आपकी 640 किलोमीटर तक लगभग पाई जाती है। विस्तृत वायुमंडल के भाग को विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, कौन सा मंडल कहा जाता है, आयन मंडल ही, क्योंकि ये क्या है विस्तृत रूप के अंदर फैला हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है आयन मंडल के अंदर जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान में वृद्धि होती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है
तापमान में वृद्धि होती है। इस भाग में विद्युतीय चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। इस भाग में, इस मंडल में विद्युतीय चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे या घटनाएं होती हैं या पाई जाती हैं, घटनाएं पाई जाती हैं या होती हैं। आयन मंडल की विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या है, विद्युत चुंबकीय आयनों के प्रभाव से विद्युत चुंबकीय आयनों के प्रभाव से रंग बिरंगे व प्रकाश की घटनाएं होती हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अरोरा बोरियल उत्तरी ध्रुव प्रकाश या उत्तरी ध्रुव ज्योति या सुमेर ज्योति ये घटनाएं क्या होती हैं, इस भाग के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा है इसी के अंदर, जबकि दक्षिणी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी भाग के अंदर किसकी बात चल रही है, आयन मंडल की। आयन मंडल में आयन जो प्रभाव है, विद्युत चुंबक के प्रभाव है, वो क्या है, आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अंदर क्या है, घटनाएं देखने को मिलती हैं। जबकि दक्षिणी ध्रुव में ध्रुवीय दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रियस दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ज्योति और आपका कुमेर ज्योति जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और ये क्या है, आयन मंडल क्या करता है, रेडियो तरंगे क्या होती हैं, धरातल तक पहुंचाती हैं, जो क्या है, दूर संचार का कार्य करती है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को
जाते हैं जो दूर संचार का काम करती हैं और इसी के अंदर क्या है आपकी अलग अलग लेयर देखने को मिलती हैं। जैसे यहां पे बनाती हूं, देखो इसी आयन मंडल के अंदर आपकी चार लेयर हैं देखने को मिलती हैं। डी ई एफ और जी। डी लेयर है आपकी लंबी तरंग, इन्हें क्या कहा जाता है लॉन्ग वे। ये आपकी कौन सी है मध्यम तरंग, ई मध्यम तरंग होती है जिन्हें क्या कहा जाता है एम डब्लू मिडल वे। एफ क्या होती है लघु तरंग जिन्हें क्या जाता है लो वे। और लास्ट आपकी है आपकी जी तरंग। जी तरंग की ऊंचाई है वो 400 किलोमीटर तक होती है, 400 किलोमीटर यानी कि आयन मंडल की लास्ट जो परत है वो क्या है आपकी जी होती है और इसके अंदर 380 तक कौन सी परत है एफ है, 130 से किलोमीटर 99 किलोमीटर और बीच में 130 किलोमीटर। इस तरीके से आयन मंडल के अंदर आपकी चार लेयर देखने को मिलती हैं, पर तरंग है देखने को मिलती है डी ई एफ और जी। इस तरीके से लेयर है वो बनी हुई मिलती हैं और इसमें क्या होता है इस मंडल के अंदर ऊंचाई के साथ साथ क्या होने लग जाता है तापमान में वृद्धि होती है जो ऊपरी सतह पे क्या कर जाता है तापमान बढ़ने के कारण इस क्षेत्र के अंदर तापमान जैसे जैसे बढ़ता है और लास्ट सतह तक कितना हो जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से क्या है आयन मंडल की विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी आयन मंडल की विशेषताएं हैं देखने को मिलती है कि जैसे जैसे अपन क्या है ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है तापमान में वृद्धि हो जाती है और तापमान कितना तक पहुंच जाता है 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसके अंदर चार जो आपकी वेव होती हैं आपकी तरंगे पाई जाती हैं डी ई एफ और जी और इनकी ऊंचाई है वो भी क्या होती है अलग अलग पाई जाती है जिसमें डी की अगर देखा जाए तो 99 से लेके 130 तक और ई की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है 130 से 130 दो बार कैसे लिख दिया 80 से सॉरी 99 से यहाँ 80 किलोमीटर आएगा यानी कि डी की जो ऊंचाई है वो 80 से 99 तक होती है, ई की ऊंचाई होती है 99 से 130 और एफ की होती है 130 से 380 और जी की होती है 380 से 400 किलोमीटर तक इनकी ऊंचाई है देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपकी क्या है आयन मंडल की विशेषताएं हैं देखने को मिलती हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।